हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम इंडोर फ्लाइंग टेस्टिंग करने वाले हैं साइमा X20P मिनी पॉकेट ड्रोन की। सो दोस्तों, ड्रोन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और यदि अभी तक आपने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो को नहीं देखा है तो यार मेरे इसी चैनल पर इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो अवेलेबल है, लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर अभी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो को देख लीजिए। सो दोस्तों, आपने वीडियो के अंदर देखा कि मैं अपने ड्रोन को टेक ऑफ कर चुका हूं, और यार इसकी स्टेबिलिटी को आप देख सकते हैं कि कितनी कमाल की इसकी स्टेबिलिटी है। और यार इंडोर में तो कोई हवा वगैरह नहीं चलती है, तो इसकी वजह से यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ्लाई करता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको 2 स्पीड मोड्स मिल जाते हैं, फास्टर एंड स्लोवर। तो यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ये ड्रोन है, और यार 360 रोल ओवर भी आसानी से कर लेता है। आप देख सकते हैं कितनी कमाल की और स्मूथली 360 रोल ओवर कर लेता है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर इसको बाहर फ्लाई किया था, तो वहाँ पे आपने देखा कि थोड़ी बहुत हवाएं थी जिसकी वजह से ये अच्छे से फ्लाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन यार इंडोर के अंदर देख सकते हैं आप काफ़ी कमाल की फ्लाइंग है इसकी, और काफ़ी कमाल की स्टेबिलिटी भी दे रहा है। सो दोस्तों, यदि आप एक बिगिनर हैं और यदि आपसे ड्रोन उड़ाना नहीं आता है तो और सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से ड्रोन फ्लाई करते हैं, तो यार साइमा के ड्रोन ना आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन है सीखने के लिए और बिगिनर्स के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन ड्रोन्स के अंदर आपको स्टेबिलिटी मोड मिलता है, जिसमें कि आप जब इसको एक बार फ्लाई करते हैं तो आपको दोबारा वहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं होती है। और देख सकते हैं फ्रीली मैंने रिमोट को छोड़ दिया है हवा में, और आप देख सकते हैं कमाल की फ्लाइंग है इसके, अपने आप से फ्लाई करने लगते हैं। तो यार यदि आप एक बिगिनर है ना, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन होने वाले हैं साइमा के। साइमा कोई सा भी ड्रोन आप ले लीजिए, जितने भी जैसे लेडी बग ले लीजिए, साइमा X20P ये वाला ड्रोन ले लीजिए, तो यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ड्रोन होते हैं। और यदि आप एक बिगिनर हैं तो बिगिनर्स के लिए तो यार वरदान के तरह होते हैं, जैसे वरदान होता है ना इस तरीके के ड्रोन होते हैं। और अब बात करते हैं कि आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं, तो यार लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस ड्रोन को आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। तो यार मैंने यहाँ पर अमेज़ॉन का लिंक दिया है, क्योंकि अभी चल रही है सेल, और सेल के अंदर ये आपको तकरीबन 1400 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी कमाल की इस ड्रोन की स्टेबिलिटी है, और इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्पीड मोड, 360 रोल ओवर, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड आसानी से हो जाता है, अप डाउन, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं इस ड्रोन के अंदर। और यार जब भी आप ड्रोन को फ्लाई करें तो उसको एक बार कैलिब्रेट और बैलेंस कैलिब्रेट ज़रूर कर लें, वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। बहुत जल्द ट्यूटोरियल भी आने वाले हैं इनके कि किस तरीके से एक ड्रोन को फ्लाई करें। यदि आपको देखने हो तो यार कमेंट करना, यदि आप वीडियो चाहते हैं कि ट्यूटोरियल मैं बनाऊँ कि हाउ टू फ्लाई ए ड्रोन, तो यार कमेंट करना वीडियो के नीचे। और दोस्तों, इस ड्रोन को चार्ज करना ही बहुत ज़्यादा आसान है, किसी भी डाटा केबल से, USB टू माइक्रो USB डाटा केबल से आप इसको आसानी से चार्ज कर सकते हैं। विद इन 45 मिनट चार्ज होने के बाद ये आपको 4 to 5 मिनट का फ्लाइंग टाइम दे देता है। और यदि आप फ्लिप वगैरह करते हैं तो यार इतना जब देता है 4 to 5 मिनट का, यदि आप फ्लिप वगैरह नहीं करते हैं तो ये आपको 5 to 6 मिनट का फ्लाइंग टाइम दे देता है। तो दोस्तों, ड्रोन आप देख सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इस ड्रोन की स्टेबिलिटी है, और यार इंडोर के अंदर तो बहुत अच्छे तरीके से फ्लाई करता है। और आपने देखे होंगे कुछ ड्रोन होते हैं जो कि इंडोर के अंदर अच्छे से फ्लाई नहीं करते हैं, लेकिन साइमा के ड्रोन की तो बात ही अलग है, ये इंडोर में भी अच्छे से फ्लाई करते हैं। ऑटो स्टॉप भी मिलता है, सॉरी 1 की स्टॉप भी मिलता है आपको इसके अंदर, आराम से स्टॉप हो जाता है, और फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यार वीडियो ना अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और यार मैं आपको पूरी तरीके से इस वीडियो के अंदर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से साइमा के ड्रोन जो है बढ़िया तरीके से फ्लाई करते हैं। तो ऑलराइट फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। मिलूंगा आपको नेक्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो में, नेक्स्ट फ्लाइंग टेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।